गुड मॉर्निंग ओके आज के वीडियो में हम सीखेंगे चॉकलेट बिजनेस से रिलेटेड अभी यहाँ पे चॉकलेट मतलब तो आप कैंडी भी बोल सकते हो या मतलब कोई भी कैंडी जैसे जो बच्चों के लिए बहुत फेमस है और मोस्टली बड़े लोगों के लिए कुछ चीज़ें करने के बाद वो खाते हैं राइट अपना मुँह का स्वाद बदलने के लिए तो वैसे वाले कैंडी के बारे में हम चॉकलेट्स के बारे में अलग अलग चॉकलेट्स के उसके रिगार्डिंग सीखेंगे ये टॉपिक पे आप चॉकलेट या जो डेरी मिल्क उनके बारे में मत सोचिए मैं एक नॉर्मल चॉकलेट के बारे में सोच रहा हूँ जो भी हम बहुत ही मतलब बाय कर सकते हैं और खाते हैं और बच्चे लोग को भी फेमस है और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोग को कोई बुरी आदत रहती है ओके वो छोड़ने के लिए ये चॉकलेट खाना पसंद करते हैं या ड्राइविंग करते समय लॉन्ग uh, ड्राइव पे आकर जाने जाते हैं कोई भी ट्रैवलिंग में भी और ड्राइविंग करते हुए वो अपने मुंह में चॉकलेट रखते हैं क्योंकि वो एक आदत आ जाता है जैसे लॉलीपॉप हो गया ओके okay? वैसे वाले भी तो आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका बिजनेस इस इसके बिज़नेस के बारे में ओके क्या जो भी बंदे नए हैं जो फर्स्ट टाइम ये चैनल पे आए हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हम ऐसे ही बिज़नेस के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं तो इसीलिए हर एक वीडियो को पाने के लिए और हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक बटन दबाते वक्त नेक्स्ट जो ऑफ़र है वो बस आपके लिए जो बंदे नए आए हैं उनके लिए तो ऑफ़र क्या है ऑफ़र हैं जो बंदे <coughs> जो भी देख रहे हैं मतलब हाउस वाइफ है या रिटायर्ड है या स्टूडेंट है या कोई भी छोटा मोटा जॉब करते हैं तो उनके लिए हम एक पार्ट टाइम बिजनेस की ता, पार्ट टाइम भी बोल सकते हैं फुल टाइम भी बोल सकते हैं बिजनेस एक लेके आए हैं जो कि आप घर में भी कर सकते हो बाहर भी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप हमें मेल भी कर सकते हो और उससे ले सकते हो तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है रजिस्ट्रेशन बिजनेस स्टडीज मार्केटिंग मैनेजमेंट ये हमारी सर्विसेज है मतलब हम प्रोवाइड करते हैं अगर आपको कोई भी लाइसेंस लेना है या आपको कोई भी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवाना है भले वो आपके कंट्री में या आपके बाहर के कंट्री में कहीं पे भी आपको करवाना रहेगा तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे किसी भी रजिस्टेशन से फिर दूसरी बात आ जाती है स्टडी स्टडीज मतलब क्या है कैसे रहता है हमारे मन में तो रहता है प्लान करने का बिजनेस ये पर कभी कभार इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहती क्या हम पहले ही प्लेटफॉर्म से मतलब पहले शुरुआत से हम बढ़ा कर सकते हैं क्या अगर हमें कोई वैसे ही हम जो सोच रहे वही सोचने वाला कोई दूसरा मिल गए था तो इसके रिगार्डिंग बिजनेस स्टडीज होना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में क्या ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है कि नहीं है ये सब कुछ अगर पहले से ही पता रहेगा ना तो आप आगे तक जा सकते हो फिर तीसरी चीज़ आ जाती है मार्केटिंग अभी मार्केटिंग के बहुत सारे फ्री में भी फंड मतलब आ, आ, फ्री में भी आप मार्केटिंग कर सकते हो वो सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं क्या करते हैं फिर दूसरी बात आ जाती है कि कई बार ऐसे भी मार्केटिंग है रहते हैं कि वो एकदम कंफर्म बिज़नेस करके वो करवा के ही देते तो खाली पीली हम पेपर में या कई पेपर मतलब देखो इश्तार देना भी सही ठीक है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि उसमें से कई बिजनेस ऐसे रहते हैं कि सौ लोगों ने देखा और उसमें से एक भी आ गया तो भी आपका पैसा वसूल हो जाता है लेकिन कई कभार ऐसा रहता है कि नहीं भाई हम लोग को कम से कम एक लाख को देखना चाहिए और उसमें से कम से कम हज़ार तो आनी चाहिए तभी हमारा सौ का बिज़नेस हो जाएगा तो वैसे वाले बिजनेस में फिर ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहाँ पे पैसा एग्जैक्टली exactly खर्च करना चाहिए फिर चौथी चीज़ आ जाती है मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस अपना पैसा मैनेज करने के लिए कहीं भी कबार पैसा जरूरत पड़ जाता है तो उस उसके लिए पहले से ही मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा ना तो फिर पैसे का भी प्रॉब्लम आप आ, कवर कर सकते हो और रही बात आ, कभी कभार प्रोडक्ट को मतलब ऐसी जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रुकना चाहिए ओके मतलब कोई भी काम आप आगे जाके बड़ा एक्सपेंड करते समय कोई तकलीफ ना हो इसके लिए मैनेजमेंट भी उतनी ही जरूरी है अभी मेन डिटेल में बात करते देखो कोई।, कोई भी चॉकलेट के रिलेटेड कैंडी लॉलीपॉप के बारे में बिजनेस करना रहेगा तो क्या है कस्टमर के लिए अफोर्डेबल है क्या नियर बाय है क्या ये सब कुछ देखना पड़ेगा अगर आप गांव में ये करना चाहते हैं मतलब छोटे छोटे गांव में तो देखो ये कैंडी वाला बिजनेस ठीक है आप कर सकते हो लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पे जो कैंडी आप परचेस कर रहे हो ना वो बस आपका प्रॉफिट मत देखिए ये भी देखिए कि वो कैंडी रियलिटी में सब कुछ ठीक है क्या नहीं क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे कमाने की वजह से कोई कई कंपनियाँ कुछ भी बना लेते हैं और गांव के बच्चे लोग बेचते हैं और फिर कुछ दूसरा ही हो जाता है ओके मतलब एक्सपायरी प्रोडक्ट वाले या जो भी है तो ये सब देखिए क्योंकि गांव में करते समय आप प्रॉफिट भी देखिए और उसका जो लाइफ है वो भी देख लीजिए ओके या ऑलरेडी जो बिजनेस बंच मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि नए कंपनी का आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है नए कंपनी का प्रोडक्ट लेना है लेकिन आपको पहले खुद खा के देखना है कि हाँ भाई सही है क्या सब कुछ ठीक है क्या ओके नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मतलब जो भी है कि कम प्राइज़ वाले या जो भी प्रॉफिट मिल रहा है तो बेचो बस इसमें बट उसमें वो चीज़ हो जाती है बेचारे वो बहुत गरीब रहते हैं और फिर खा लेंगे फिर उससे उनको जो बीमारी होती है उनको ही पता रहती है ऐसा सब कुछ है मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं ये ऐसे बोल रहा है ऐसे ही होता है लेकिन आप सोचिए लेते समय कोई भी प्रोडक्ट क्योंकि खाने की चीज़ है तो आपको पहले सोचना चाहिए सब कुछ तो इसके लिए पहले प्रॉपर ये भी देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ले रहे वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है क्या नहीं उसका उसने ऑलरेडी फूड लाइसेंस लिया हुआ है कि नहीं है और अगर आपको भी करना रहेगा तो भी आप, आपके पास ये लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ है कि नहीं ये सब कुछ देखना पड़ेगा अभी देखो नॉर्मल बेस पर अगर आप सोचोगे तो आप खुद मैनुफैक्चरिंग भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ईजी है चॉकलेट के मतलब चॉकलेट्स तैयार करना या उसको बेचना ओके बहुत ही ईजी है रही बात मार्केटिंग तो आप कैसे क्या सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है मतलब आपको कितना क्वांटिटी में सेल आउट करना है उसके ऊपर मार्केटिंग डिपेंड रहना है तो छोटे क्वांटिटी में आप हर एक दुकान शॉप में भी बेचना शुरू कर दोगे तो भी हो जाता है अभी आप बोलोगे कि ये तो छोटे दुकानदार शॉप में होता है फिर बड़े कंट्री में कैसे होता है देखो बड़े कंट्री में कैसे होता है लार्ज क्वान्टिटी पैक दिया जाता है जैसे पचास का या सौ का पैक कैकेट एक पूरा चॉकलेट का पाव चीज पूरा दे दिया जाता है तो वो ले लेते तो आप भी वैसे कर सकते हो जैसा सबको पता है देखो पेरेंट्स को कि बच्चों को हमेशा मुझे शाम को आते व काम से आते वह कुछ कैंडी चॉकलेट लेके आना है तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई एक पैकेट लोगे तो इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो उससे क्या होगा आपको डायरेक्टली सेल भी हो जाएगा अच्छे से ये गाँव वाले भी कोई भी कर सकते हैं और बड़े क्वांटिटी पे जो जिनको बिजनेस करना है ना वो भी ऐसे अप्रोच कर सकते हैं ओके रही बात मैनेजमेंट uh, की तो बहुत ही ईजी है बेचना है प्रमोशन करना है एडवर्टाइज़ करना है और मार्केट में पहुँचना और ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि ये क्या मतलब छोटी वाली चीज़ है मतलब पेनी और उससे कितना मेरा मुनाफा होगा या जो भी है लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि आप इससे करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो क्योंकि ये आप ये सोच रहे हो कि एक आदमी खा रहा है लेकिन एक आदमी की आदत भी है ना कि वो महीने में कितनी बार खा रहा है दिन में कितनी बार खा रहा है ये भी देखना ज़रूरी है फिर ये देखना जरूरी है कि कितने पब्लिक खा रहे उसके ऊपर से आप फिर ये मल्टीपर करके पता लगा लीजिए कि आपका सेल कितना हो सकता है क्या नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कम प्राइस है मतलब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा देखो क्वांटिटी भी है ना पब्लिक भी उतना सब कुछ है कितने स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट में आपका मटेरियल जा रहा है ये भी देखना ज़रूरी है तो छोटा मोटा जो भी जैसा भी बिजनेस करना ये बहुत ही ईजी और सिंपल है मतलब आप अगर बड़े सिटी में देखोगे मतलब जैसे अभी मैं मुंबई का एग्जाम्पल दे दूँ तो मुंबई में ट्रेन में भी अच्छा खासा कमा के चॉकलेट खुद ही मैन्युफैक्चर करके अभी पता नहीं उसका कंपनी कौन सा मैंने तो कभी देखा नहीं बट चॉकलेट सच में अच्छा लगता है खाने में वो और बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करके वो बेचते कर, ख़त्म भी करते हैं ये भी चीज़ होती है और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं उसके ऊपर तो ये सब है चॉकलेट के बिज़नेस के ऊपर ओके और रही बात सिक्योरिटी तो देखो खाने वाली चीज़ है ये तो हमेशा अगर आपका क्वालिटी ये सब कुछ ठीक है ना तो ये खाने वाली चीज़ तो लगती ही है मतलब आदत लग गई ना एक बार आ, पता है आपको किसको आदत लगती है पॉकेट में रख के फिर मुंह में रख के फिर बाकी दूसरा एंजॉयमेंट करने का ओके तो उन लोग को तो फिर बहुत ही ये क्या बोलते हैं कि ये हो जाता है फैशन हो जाता है ये सब कुछ चीज़ें और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही गुड है मतलब स्वीट वाली चीज़ खाना हाँ स्वीट या खट्टी जो भी जैसे फ्लेवर आप बना रहे हो उसके हिसाब से रही बात प्रॉफिट तो प्रॉफिट भी बेहतर है क्योंकि लागत इसमें बहुत कम रहती है तो इसके लिए और पब्लिक खाने वाले बहुत है तो मल्टीपल यूज़र आपको मिल जाता है उस चीज़ में और मार्केट भी कर कवर कर सकते इसमें क्या क्वालिटी देखना है आ, तो कस्टमर ऑब्वियसली आपके पास ही पड़ा रहेगा अभी इसमें एक बात करते हैं हम लोग कि अगर ये बिजनेस आगे बढ़ाना है या कुछ उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वीरीज रहेंगी या ऑलरेडी आपने ऐसा कोई चॉकलेट बना के रखा है बट उसको मार्केट नहीं मिला रहेगा या आपको खुद अब ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप है डीलरशिप आप ढूंढ रहे हो तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आपको कोई मैनुफैक्चरिंग खुद का फार्मूला यूज करके शुरू करना है तो ऑल द बेस्ट आप कीजिए क्योंकि देखो कैसा है खुद का फार्मूला रहेगा खुद की टेक्नोलॉजी सब कुछ रहेगा और प्रॉपर है तो आप पूरे वर्ल्ड में भी बेच सकते हो जरूरी नहीं कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहीं पे बेचो ओके गैस तो इसके लिए आप सोचते रहिए करते रहिए कोशिश क्योंकि बनाने में कितना खर्चा आएगा ये भी आप सोचिए मुझे नहीं लगता कि कोई चॉकलेट बनाने के लिए सौ रुपये के ऊपर कोई इंडियन रुपए सौ रुपये के ऊपर खर्चा आ रहा है मतलब ऑलमोस्ट एक डॉलर के अंदर ही पैसे चॉकलेट बन सकता है इतने कम अगर एक्सपेरिमेंट भी करना रहेगा तो भी छोटा छोटा जो भी है ओके अभी मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ उन्हें जो अपने पास है सामग्री जो ग्रॉसरी है उसमें ही आप अच्छा खासा चॉकलेट बना सकते हो ओके okay, तो उसके रिगार्डिंग जो भी रहेगा आप ई मेल कर सकते हो और और भी कोई भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगा तो फिर हमारे आपको हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी मिलना रहेगा तो वो टीम से भी मिलने के लिए आ जाएंगे और जो भी सर्विसेज आपको रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट हो जाने के बाद आप अपनी सर्विसेज सक्सेस कर सकते हो रही